राम राम किसान साथियों, स्वागत है आपका ट्रेंच विधि खेती चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज ये खाद मिला रहे हैं हम, और इसमें इससे हम अपनी सोइल ट्रीट करेंगे। सोइल ट्रीट से मतलब है मिट्टी को उपचारित करेंगे, और उसके लिए लेंगे ट्राइकोडर्मा सोडोनोमास, और उसके साथ में हमने मिलाया है कुछ बैक्टीरिया, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलो लेके चलता हूँ आपको, हम इसमें क्या क्या मिलाएंगे। ये संजीवनी है ट्राइकोडर्मा, और इसके साथ में ये भी आता है, आप इसके कोड को स्कैन करो। 10 पैकेट हैं और ये 10 कोड हैं हर डिब्बे की, आपको और आपको बैच नंबर, एक्सपायरी डेट और प्राइस, ये सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएंगी। तो किसान भाइयों, इसके अंदर तो होते हैं, अब बात करें इसकी, इसके अंदर 1 ग्राम में कितने सी बैक्टीरिया हैं। तो इसके अंदर होते हैं 2×10^9, यानी कि लगभग 200 करोड़। 1 ग्राम के अंदर 200 करोड़ बैक्टीरिया हैं। और एक मेरे पास में है, ये है स्टेंस कंपनी का है ट्राइकोडर्मा, इसकी CFU काउंट है आपका 2×10^6। इसके अंदर है 20 लाख बैक्टीरिया, 2×10^6 CFU गणना 20 लाख पर ml कम से कम। तो सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसके अंदर है। मैं इस कंपनी का प्रचार बिल्कुल नहीं कर रहा, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूं। और पिछले 2008 पिछले मतलब 2009 से 8-9 से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आपका है फसल रक्षक सूडोनोमास, ये भी फंजीसाइड है, इसके अंदर भी आपको मिलता है 1×10^8 CFU काउंट। और हमने लिया है उसके बाद, ये है वैम शक्ति यानी कि माइकोराइजा, ये पड़ता है 4 किलो एकड़ के हिसाब से। और फिर लिया है एक, ये लिया है पोटास एक्टिव, इसमें पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं, जो मिट्टी में हमारी पोटास ऐसे ही पड़ी रह जाती है उसको ये एक्टिवेट करते हैं। इसका CFU काउंट है 5×10^7। एक ये है सायरन, इसके अंदर है सल्फर और आयरन, और आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये जो इस कंपनी ने अभी मिलाया है, पहले ये सल्फर और आयरन आता था केवल। और इसके अंदर आपको मिल जाता है सल्फर, फेरस सल्फेट, बेंटोनाइट ग्रेनुअल्स और ये सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो आपको इसमें 3 चीजें मिल जाती हैं। और फिर लिया है हमने, ये PSV कल्चर है, फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर, ये भी मतलब 1 साल के अंदर एक बार फसल में, किसी भी फसल में एक बार इनको जरूर लगाते हैं मिट्टी में, ये डल जाने चाहिए सभी कल्चर, क्योंकि जो भी हम केमिकल खाद डालते हैं वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, पूरा पौधा उसे ग्रहण नहीं कर पाता, और उस वजह से ये मिट्टी में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो उसको मोबिलाइज मतलब चालू कर देते हैं एक तरह से, कि पौधा उसको ग्रहण कर ले, ये बैक्टीरिया उसको उस फॉर्म में ला देते हैं जिससे पौधे को उसको ग्रहण करने में आसानी रहती है। इसका CFU काउंट है 5×10^7, pH इसका 6.5 से 7.5। और इन प्रोडक्ट को पिछले लगभग 12-13 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, सभी चीजें आ गई, पोटास एक्टिव। तो ये सब चीज मिला के हम इनको
इनसे अपनी सोइल ट्रीट कर रहे हैं, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिकल खाद आप कितना भी डाल लें, एक उसकी लिमिट होती है, उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। जब तक हम इन, या तो कूड़ी का खाद डालें भरपूर मात्रा में, अगर वो कम है तो फिर आप इन, आपको ये बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे। कूड़ी का खाद इतना नहीं मिल पाता कि आपके फसल की पूर्ति उससे हो जाए। तो इन सब चीजों को मिलवाएंगे और कूड़ी के खाद में मिलवाएंगे, बिल्कुल बढ़िया वर्मी कंपोस्ट जैसा बना रखा है बारीक करके, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आलू का काम चल रहा है, इधर बीज ट्रीट हो रहा है। ये इसको मिला दिया है सभी तरह से। गोविंद इसको बारीक करके भी मिलाइए, एक बार हाथ से मिला दिए, ठीक है, अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो किसान भाइयों, इसको मिलाना शुरू कर दिया है अब हमने। पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से बारीक किया है और नमी इसमें बहुत अच्छी है, ना तो ये सूखा लेना है और ना ही ये गीला। सबसे पहले लिया है माइकोराइजा, अब ये डाला है फॉस्टर, यानी कि पीएसबी कल्चर जो होता है, और ये डाला है हमने सायरन। सायरन ही बच जाएगा इसके अंदर है सल्फर, आयरन और आपका सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो कि जाइम में आता है। और अब ये आ गया, हाँ यही वाला, कोई सा भी ले लो। और ये सामान है किसान भाइयों, दो एकड़ का, दो एकड़ के लिए ये पोटाश एक्टिव है। इसके अंदर पोटाश को घुलनशील बनाने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, और ये एक एकड़ में 4 किलो पड़ता है, तो हमने ये लगभग 8 किलो लिया है दो एकड़ के हिसाब से। हाँ वो भी डाल दो। ये आ गया आपका ट्राइकोडर्मा संजीवनी, अब इसको इसमें मिलाएंगे, और जो फसल लग सके उसको अलग ढेरी बनाइए, जो कि आपका सूडोनोमास है उसको अलग मिलाएंगे, ठीक है भाइयों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ किसान भाइयों, किसी भी फसल में साल में एक बार ये सारे बैक्टीरिया और ये फंजिसाइड ट्राइकोडर्मा ये एक बार जरूर डाल देने चाहिए मिट्टी के अंदर, क्योंकि केमिकल डाल डाल के हमने मिट्टी अपनी, मिट्टी के अंदर जो हमारे सूक्ष्म तत्व होते हैं या सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो अब इतने नहीं रहे कि जो भी हम खाद डाल रहे हैं वो सारा 100% उसको सोल्युबलाइज कर दें। इतने बैक्टीरिया अब नहीं है, तो हमें बाहर से बैक्टीरिया डालने पड़ेंगे, या कूड़ी का खाद इतना हो कि इन सब की जरूरत ना पड़े। इसको मिला ले अलग, गोविंदा इसको यहाँ पे मिला ले, यो वाला पैकेट और यो पैकेट, ये दोनों यहाँ मिलेंगे इस वाली डायरी में। और मिट्टी को उपचारित करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मिट्टी केमिकल डाल डाल के मिट्टी हमने बिल्कुल बेजान सी कर दी। एक बार तो केमिकल डाल के पैदावार मिल जाएगी, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से वो डाउन हो जाएगी फसल, ठीक है भाइयों, नमस्कार।